नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के अशोक विहार की दीपचंद मंदिर मार्केट में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को बाल रूप दिया गया। इस कार्यक्रम में कई बच्चों ने केंद्र सरकार के मंत्रियों का बाल रूप लिया और एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, अन्य भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी शामिल हुए। जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने बताया कि इस कार्यक्रम की रचना जिला केशवपुरम की महिला मोर्चा द्वारा की गई है। इस कार्यक्रम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि यह नरेंद्र मोदी सरकार की सभी योजनाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए है और मोदी सरकार में जिन मंत्रियों को जो दायित्व दिया गया है वह उस पर काम कर रहे हैं और मोदी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुँचा रहे हैं। राजकुमार भाटिया ने आगे बताया कि इस तरीके के कार्यक्रम का ये पहला आयोजन है और ये साहस केशवपुरम महिला मोर्चा ने दिखाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बाल रूपी नरेंद्र मोदी और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के भी बाल रूप में मौजूद थे। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। ये एक बैठक बुलाई गई है और ये एक मिनी बैठक है जिसके अंदर बाल रूप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे किस प्रकार के बच्चे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की नीतियों से कार्यों से प्रभावित हैं और उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। उस चर्चा का हमारा जो भाव ये है कि आज देश के अंदर किस प्रकार से मोदी जी की नीतियाँ, मोदी जी के कार्य जनता में जा रहे हैं और जो बच्चे उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं वो उसके रूप में आज एक बैठक के रूप में कार्य करेंगे। ये एक पाठशाला है बच्चों की कि आपको देश सेवा जब करनी है उस सेवा के रूप में आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपके मन के अंदर ये निर्णय लेना चाहिए कि हम देश के लिए अच्छा काम करें और यही काम आज ये बच्चे आपके सामने करेंगे और परिचर्चा एक करेंगे कि नीतियाँ और जो सुझाव देश के अंदर हैं उसके ऊपर हम कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैम, जो केशवपुरा महिला मोर्चा की तरफ से आयोजित है और मोदी जी का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर उपस्थित है, आज सबका भाषण होगा और सब शीट भी के सामने बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल है, एक एक अपने स्पीच सुनाएंगे उनको। और जो मोदी जी का सेवा सप्ताह चल रहा है, सेवा ही समर्पण है, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं पर भंडारा चल रहा है, कहीं पर राशन वितरण हो रहा है, कहीं पर फल वितरण हो रहा है, इसी तरह से हमारे 20 दिन कार्यक्रम चल रहे हैं उसी के आउट करते हुए आज ये वाला कार्यक्रम महिला मोर्चे की तरफ से जिला केशवपुर से कार्यक्रम रखा है। मैम, जैसे कि पूर्व मंडल में कल आर्ट प्रतियोगिता का प्रोग्राम रखा था और सुबह भंडारे का प्रोग्राम था हमारा और उसमें फल वितरण का कार्यक्रम किया। हमने कार्यक्रम तो बहुत सारे किए वहाँ पर ये वाला कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम जो हमने महिला मोर्चा के द्वारा यहाँ पर मनाया है। जो गति देने सोच के साथ इसको मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान के 20 दिनों के कार्यक्रम अब लगभग खत्म होने जा रहे हैं और महिला मोर्चा जिला केशवपुरम द्वारा इस कार्यक्रम की रचना के माध्यम से हम पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी सरकार की योजनाएं जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए और विश्व में जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसको पूर्ण करने के लिए एक एक योजना के लिए एक एक मंत्री अपना इस काम को पूर्ण रूप से इसका प्रेस्क्रिप्शन देगा, प्रेस्क्राइब करेगा और इस माध्यम से ये आवाज़ जनता तक पहुँचेगी। ये इसके अलावा इस प्रकार का ये पहला प्रोग्राम है, ये पहला प्रयोग है और ये साहस हमारी महिला मोर्चा ने किया है और मैं सोचता हूँ कि इसको अगर हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह दिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा और इस प्रकार से जनता में मोदी सरकार की योजनाओं का प्रसार और प्रचार होगा। मोदी जी के कार्यकाल में सभी मंत्रालयों ने जनहित में, समाज हित में इतने अच्छे अच्छे नवीन और धरातल तक पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक कल्याण की योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं का एक ही मंच से हम प्रचार प्रसार कर सके ये हमारा इसके पीछे उद्देश्य था। इसमें कितने इसमें मोदी समय अरे इसमें हमारे 20 मंत्री हैं जिसमें 20 सांसद हैं जिसमें 19 केंद्रीय मंत्री और एक हमारे क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी।
बाल उपाय का जो प्रोग्राम रखा गया है इसके माध्यम से हम क्षेत्र की जनता को बताना चाहते हैं मोदी जी के जो काम है, मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है, विश्व पटल पर है जो मोदी जी ने एक परचम फहराया भारत देश का, उस विश्व पटल पे जो भी काम मोदी जी ने किए या देश हित में जो काम किए, किसानों के हित में काम किए, युवाओं के हित में काम किए, महिलाओं के हित में काम किए, सभी क्षेत्रों को जो छोटे छोटे क्षेत्रों को उन्होंने छुआ है उसका रूपांतरण हम आम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। ये बाल रूपांतर जो है उसी के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या काम किए।